यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन यीशु के सुंदर भव्य और महान नाम में, मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल 2024 में आप परमेश्वर के वचन को थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपने ये निश्चय किया है कि इस साल में आप सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को करने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस जीवन के लिए, उसके अद्भुत प्रेम के लिए जो सदा बहता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें सबसे उत्तम ठहराया है अपने प्रेम के द्वारा। तूने हमें अपनाया है, तूने हमें अपनी संतान कहलाने का दर्जा दिया है यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर कि तेरा प्लान हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है और तू हमें अपने प्लान्स का ज्ञान देता है, अपनी योजनाओं को हमें सिखाता है और उन योजनाओं में चलने के लिए हमें मार्गदर्शित करता है तेरे वचन के द्वारा। यीशु के नाम में हम आज अपने हृदय और आत्मा को, अपने मन को तैयार करते हैं विश्वास और आनंद के साथ तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, तेरे मार्गदर्शन को पाने के लिए और तेरी योजना को समझने के लिए और उस निश्चित करने के लिए कि हम उस योजना पे चलेंगे। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के श्रेष्ठ बच्चों से बात कर रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ जिनका हृदय खुला हुआ है वचन को ग्रहण करने के लिए और जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के वचन को समझना, उसकी गहराइयों को भेद कर पाना और उसमें चल पाना बहुत आसान हो जाता है, है ना? जो भी पेरेंट्स हैं वो जानते हैं कि जब बच्चा होता है और बच्चे के लिए कुछ भी करना पड़ता है, वो चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो, बट बच्चे के लिए जब हम कुछ करते हैं हमें बहुत आनंद होता है। यू फील सैटिस्फाइड, यू फील गुड, क्योंकि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे उसी तरीके से प्रेम करता है और चाहे आपके जीवन में यह प्रत्यक्ष आपको दिख रहा हो या नहीं, परमेश्वर आपके जीवन को आपसे ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता है, आपकी कल्पना से ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, आपकी चाहत से ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता है और यह सुंदर तब बन पाता है जब आप उससे प्रेम करते हैं और उसकी बातों को समझ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको वचन से कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना चाहती हूँ। आप अपने जीवन में परमेश्वर से क्या ग्रहण करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं और कब ग्रहण करते हैं, यह परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता, यह आप पर निर्भर करता है। हम जब परमेश्वर से बात करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी इच्छा को उसको जाहिर करते हैं, हमारे जाहिर करने का तरीका यह निश्चित करता है कि हमारी प्रार्थना, हमारी घोषणा कब हमारे जीवन में संपूर्ण होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक राजा का अधिकार उसके शब्दों में, उसके वचनों में होता है। Where the word of a king is, there is power. Praise the Lord. Hallelujah. जब एक राजा
यू नो ओल्डन टाइम्स में राजा होते थे, आज के दिनों में यू नो सरकार में पदाधिकारी होते हैं, जब वो कुछ घोषित करते हैं तो वो चीज़ें यू नो घटित होती हैं, वो चीज़ें प्रजा के लिए, लोगों के लिए, देशवासियों के लिए वो चीज़ें घटित होती है, वो चीज़ें स्थापित होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोषित किया, उन्होंने दे स्पोक इट आउट, प्रेज द लॉर्ड, और दे रोट इट और लीगलाइज्ड इट इन टुडेज वर्ल्ड। मतलब आज के समय में वो चीज़ें लिखी जाती हैं और वो यू नो न्यायिक तरीके से सिद्ध की जाती हैं, और उसके बाद वो चीज़ें पूरे देश में घटित होती हैं, चाहे वो लॉज हो, चाहे वो रिफॉर्म्स हो, कोई भी चीज़ हो, प्रेज द लॉर्ड। और पहले समय में राजा जो बोलते थे, घोषित करते थे, वो होता था। आज आप अपने जीवन के राजा हैं, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर ने आपको वो बनाया है। जो आप कहते हैं और जिस तरीके से आप उस चीज़ को कहते हैं, वैसे ही वो आपके जीवन में घटित होती है, प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने जीवन में कहते हैं यू नो कुछ लोगों की आदत होती है, हर वक्त वो कहते हैं मैं तो बस ऐसे ऐसे ना, मैं तो मर ही जाना है एक दिन, मैंने तो मर ही जाना है, तो उनके जीवन में वो मृत्यु आती है, और फिर उन्हें लगता है, उनके आसपास के लोगों को लगता है, अरे परमेश्वर ने ये कैसे होने दिया, पर वो हर समय ये कह रहे थे, तो ये उनके साथ घटित हुआ। अब समझ रहे हैं, प्रार्थना या परमेश्वर से वार्तालाप किसी भी वक्त करते वक्त आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके शब्दों के चुनाव क्या होते हैं, ये निर्धारित करता है कि आप अपने जीवन में आपकी इच्छा का परिणाम किस प्रकार पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू स्पीक राइटली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको दो लोगों का संदर्भ देना चाहती हूँ, यू नो एक व्यक्ति है सोलोमन, प्रेज द लॉर्ड, किंग सोलोमन, सुलेमान को सब लोग जानते हैं, हाँ, वो दाऊद का बेटा था, सबसे उसका उत्तम था, और दाऊद ने उसे अपने जीते जी अपना सक्सेसर नियुक्त किया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद एकमात्र राजा था पुराने नियम में जिसने अपने उत्तराधिकारी को खुद ही ताजपोशी की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी सब राजा बने क्योंकि उनके पिता मृत हो गए थे, अचानक उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उनका पुत्र राजा बन गया, ऑटोमेटिक ऑर्डर। बट दाऊद ने सुलेमान को खुद राजा ठहराया अपने जीते जी, प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज ही वॉज ओल्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड दाऊद ऐसा कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ था और उसका हृदय परमेश्वर के लिए बिका हुआ था, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट एपिसोड में हमने दाऊद के बारे में थोड़ी बातें की थी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑल राइट, सो सोलोमन ने एक बार ताजपोशी के बाद एक बहुत बड़ी भेंट दी परमेश्वर को, और बाइबल कहती है परमेश्वर उसके समक्ष आया और उससे जानना चाहा कि वो क्या चाहता है। और जब आप एक राजा का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ओके लेट मी रीड टू यू व्हाट एग्जैक्टली सोलोमन सेड, प्रेज द लॉर्ड, चैप्टर 3 1 किंग्स, लेट्स गो फ्रॉम वर्स 6, तो आप बेटर समझ पाएंगे। एंड सोलोमन सेड, थाउ हैज शोड अनटू थाय सर्वेंट डेविड माय फादर ग्रेट मर्सी अकॉर्डिंग एज ही वॉक्ड बिफोर दी इन ट्रूथ एंड इन राइटसनेस एंड इन अपराइटनेस ऑफ हार्ट विद दी, एंड थाउ हैज केप्ट फॉर हिम दिस ग्रेट काइंडनेस दैट थाउ हैज गिवन हिम अ सन टू सिट ऑन हिज थ्रोन एट इट दिस डे, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज एग्जैक्टली जो मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले। राजा दाऊद एकमात्र राजा था जिसने अपने पुत्र की ताजपोशी की, प्रेज द लॉर्ड, अपने जीते जी। एंड नाउ ओ लॉर्ड माई गॉड, दाउ हैज मेड दाई सर्वेंट किंग इंस्टेड ऑफ डेविड माई फादर, एंड आई एम बट अ लिटिल चाइल्ड, आई नो नॉट हाउ टू गो आउट और कम इन, प्रेज द लॉर्ड। सोलोमन परमेश्वर से बात कर रहा है कि तूने मेरे पिता पे अद्भुत करुणा दिखाई है परमेश्वर, क्योंकि वो तेरे साथ सत्यनिष्ठा की राह पे चला, उसका हृदय तेरे लिए था, और तूने उसे अधिकार दिया है परमेश्वर कि वो अपने बेटे को राजा ठहरा सके अपने जीते जी।
और अब मैं तेरे समक्ष हूँ। सुलेमान कह रहा है परमेश्वर से कि अब मैं तेरे समक्ष हूँ और तूने मुझे राजा बनाया और मैं तो बस एक बच्चा ही हूँ अभी। ओके, एंड thy servant, eighth verse, is in the midst of thy people which thou hast chosen. A great people that cannot be numbered nor counted for multitude. मतलब वो कह रहा है कि तूने अपने लोगों के बीच में मुझे बिठाया है, जो तेरे लोग हैं, जिसे तूने चुना है, जिनको गिना नहीं जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। एंड द स्पीच प्लीज द लॉर्ड दैट सोलोमन हैड आस्क्ड दिस थिंग। ओके ओके नो नाइन्थ वर्स, गिव देयरफॉर दाई सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट टू जज दाई पीपल दैट आई मे डिसर्न बिटवीन गुड एंड बैड फॉर हु इज एबल टू जज दिस दाई सो ग्रेट अ पीपल। And the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Praise the Lord. 11th verse. And God said unto him, मतलब सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है कि तूने अपने लोगों को मुझे दिया है, तो मुझे बुद्धिमत्ता दे कि मैं उन्हें चला सकूं, मैं उन्हें न्याय दे सकूं. Praise the Lord. क्या मांगता है सुलेमान परमेश्वर से? बुद्धिमत्ता. Praise the Lord. And the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. And God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies. Okay? तो परमेश्वर सुलेमान को कहता है कि तुमने मुझसे धन नहीं मांगा, तूने मुझसे जंग में विजय नहीं मांगी, तूने मुझसे अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी, तूने मुझसे बुद्धिमत्ता मांगी है। और क्योंकि तूने मुझसे बुद्धिमत्ता मांगी है, मैं तुझे सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं दूंगा, मैं तुझे बुद्धिमत्ता तो ऐसी दूंगा कि तेरे जैसा ना कोई था ना कोई होगा। पर साथ ही साथ क्या देता है? आई हैव ऑल्सो गिवन दी दैट विच दाउ हैज नॉट आस्क्ड। 13th verse है ये, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. And if thou will walk in my ways to keep my statutes and my commandment as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Praise the Lord. Praise the Lord. So kya hota hai ki wo kehta hai ki tune mujhse kyunki sirf buddhimatta mangi hai, main buddhimatta to tujhe de hi raha hu, par tujhe main धन भी दूंगा और मैं तुझे सम्मान के स्थान पे ले जाऊंगी, इस तरह की तेरे जैसा कोई तेरे समय में नहीं होगा। और अगर तू मेरी आज्ञाओं का वैसे पालन करता है जैसे तेरे पिता ने किया था, तो मैं तेरी आयु भी बहुत बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कंडीशंस अप्लाई। प्रेज गॉड। हालेलुया। डू यू सी? तो क्या मांगा परमेश्वर से सुलेमान ने? कहा कि अरे परमेश्वर, आप तूने मुझे मौका दिया है कुछ बोलने का, पहले तो तू मुझे, मैं बताऊंगा कि मुझे कितने ग्रजेज हैं तुझसे, तूने मेरा ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं तो तेरे साथ ऐसे करता हूँ, मैं तो तेरी प्रार्थना करता हूँ, तुझे इतनी भेंट देता हूँ, मेरा क्या? क्या उसने ऐसे बोला? नहीं, मैं तो अभी अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहता था, तूने मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारी डाल दी, मैंने बोला था मुझे राजा बनाने को? नो, उसने तो ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला? उसने बोला कि तूने मेरे पिता को चुना था और मेरे पिता ने अपने पूरे हृदय से तेरी सेवा की और तूने उसको कितना सम्मान दिया, अब तूने मुझे चुना है अपने चुने हुए लोगों के लिए, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू मुझे बुद्धिमत्ता दे कि मैं इन लोगों को चला सकूँ। और परमेश्वर उसकी बातों से इतना खुश हो गया, बाइबल कहते हैं इट प्लीज द लॉर्ड कि परमेश्वर ने उसे बुद्धिमत्ता तो दी ही, और ऐसी दी जैसी किसी की नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कि बाइबल कहती है कि आज मसीह यीशु हमारी बुद्धिमत्ता ठहराया गया है, और वो सुलेमान से भी बहुत ऊंची बुद्धिमत्ता है जो हमें प्रदान की गई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बट परमेश्वर ने उसे मसीह के ना आने से कहीं पहले सबसे बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति बनाया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने बुद्धिमत्ता मांगी, और साथ ही के साथ उसको सबसे अमीर, सबसे धनवान और सबसे अजय कहते हैं ना, एक व्यक्ति जो कभी हारता नहीं, वैसा व्यक्ति बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना में सही चीज मांगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ही डिड नॉट डिस्प्ले फ्रस्ट्रेशन।
बहुत बार हम सोचते हैं कि हम घंटों तक जब बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और कंप्लेंस करते हैं कि परमेश्वर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम कुड़कुड़ा रहे हैं। ये प्रार्थना नहीं होती। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करे, तो हम उसे सम्मान के शब्द बोलते हैं। वी वर्शिप हिम, वी टेल हिम हाउ गुड ही इज, प्रेज द लॉर्ड। और हम उससे क्या चाहते हैं, और परमेश्वर हमेशा हमें हमारी चाहत से बढ़कर देता है। बहुत सारे लोग सालों तक सफ़र करते हैं, बहुत सालों तक एक ही चीज़ से जूझते रहते हैं, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो पारिवारिक परेशानी हो, क्योंकि उन्हें कुड़कुड़ाने की आदत होती है। वो सोचते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। उनको हमेशा कोई ना कोई तत्व गलत लगते हैं, वो गलत नहीं लगते। उनको लगता है वो तो बड़ा सही चल रहे हैं, वो बड़े अपराइट राइटियस हैं, पर आसपास सब कुछ बहुत गलत है। बहुत सारे मैंने मर्दों को देखा है, वो हमेशा अपनी बीवियों की बुराई करेंगे, और बहुत सारी बीवियों को देखा है जो हमेशा अपने पतियों पे सारा इल्ज़ाम डालेंगी। कुछ माएँ अपने बच्चों पे सारा इल्ज़ाम डाल देंगी, कुछ तो पास्टर्स पे सारे इल्ज़ाम डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको अपने शरीर में परेशानी, ही कैन नॉट वॉक, ही इज़ लेम, और ये व्यक्ति वहाँ पे कई सालों से, 38 साल, 38 ईयर्स से ये व्यक्ति वहाँ पे है, ठीक है। अब आप देखें कि क्या होता है, फोर्थ वर्स से पढ़ेंगे। फॉर एन एंजल वेंट डाउन एट अ सर्टेन सीजन इन टू द पूल एंड ट्रबल द वाटर और स्टर्ड द वाटर, हूसोएवर देन फर्स्ट आफ्टर द ट्रबलिंग ऑफ द वाटर स्टेप्ड इन वॉज मेड होल ऑफ व्हाटसोएवर डिजीज ही हैड। ये बेथेस्टा के पुल की बात हो रही है कि जब भी परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के एंजल के रूप में उस पर उतरती थी, उस जल पे, तो उस पानी में एक ऐसा स्टरिंग होता था कि वो पानी चमत्कारी हो जाता था, और जो भी पहला व्यक्ति उस पानी में उतरता था उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी। नाउ यीशु इस बार इस जगह पे है, ओके? ये यरूशलेम की बात है। Fifth verse, and a certain man was there which had an infirmity 38 years. 38 साल से उसे सिर्फ बीमारी है, उससे भी ज़्यादा उम्र का है, ठीक है, वो चल नहीं सकता। वो वहीं पे अपना डेढ़ा डाल के बैठा हुआ है कि जब भी वो पानी में इट विल बी स्टर्ड, वो उसमें जाएगा और खुद को चंगा कर लेगा। नाउ व्हेन जीसस सॉ हिम लाइव, वहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, एंड न्यू दैट ही हैड बीन Now a long time in that case, he said unto him, Will thou be made whole? Sixth verse, वो क्या पूछता है उससे, यीशु उसको देखता है, वो वहाँ पड़ा हुआ है, और यीशु को पता था कि वो बहुत सालों से उस परिस्थिति में है, उससे पूछता है क्या तुमको लगता है कि तुम ठीक हो गए? Now, इस दुनिया का रचयिता एक तौर पर, क्योंकि यीशु कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का अंश है जो शरीर में आया, परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। बाइबल कहती है कि वो था जिसने पूरी दुनिया का निर्माण किया और दुनिया ने उसे जाना ही नहीं, प्रेज द लॉर्ड। वो उससे पूछ रहा है कि तुमको क्या लगता है कि तुम चंगे हो जाओगे? नाउ लुक एट दिस मैन्स रिएक्शन। द इम्पोर्टेंट मैन आंसर्ड, सर, आई हैव नो मैन व्हेन द वाटर इज ट्रबल्ड टू पुट मी इनटू द पूल, But while I am coming, another step it down before me. क्या कह रहा है ये? यीशु ने उससे क्या पूछा था? यीशु ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों पड़े हो, तुम्हारी हालत कैसी है, तुम क्यों इस कंडीशन में? नहीं, यीशु ने पूछा तुम्हें क्या लगता है तुम चंगे हो सकते हो। उसे ये भी नहीं पूछा कि तुम पानी में जाके चंगे होगे या कैसे चंगे होगे, उससे सिर्फ ये पूछा कि तुम्हें क्या लगता है। उसका रिस्पॉन्स क्या था? ही स्ट्रगल्ड, फ्रस्ट्रेटेड। वो क्या कह रहा है, कोई है ही नहीं जो मुझे उस पानी में लेके जाए, जब तक समय होता है कि मैं उस पानी में जाऊँ तब तक कोई और चला जाता है, इससे पहले कि मैं खुद जाऊँ कोई और चला जाता है, क्यों, मेरी तो स्पीड कम है। सो नाउ ही इज
डूइंग व्हाट, वो क्या कर रहा है, वो सब पे दोष मढ़ रहा है कि किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। भाई मैं चल नहीं सकता, मुझे उठा के पानी में डाल दो जब पानी स्टर होता है, पर कोई और ही चला जाता है उससे पहले। तभी तो मैं 38 साल से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, ठीक नहीं हो पा रहा। हैरी जस्ट सेड यस आई बिलीव, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट वर्स हम पढ़ेंगे, यीशु ने उसे चंगा किया। और हम सब ये वर्स शायद जानते हो, भले ही ये स्टोरी नहीं जानते हो, ये वर्स आपने निश्चित रूप से सुना होगा, कई गीतों में है, कई कई सारी प्रीचिंग्स है इसके ऊपर। पर अगर वो सुलेमान की तरह जवाब देता, विश्वास बढ़े, परमेश्वर सिर्फ उसे चंगा नहीं करता, उसे बढ़कर बनाता, पर उसे उसकी चंगाई पाई क्योंकि यीशु था वहाँ पे। और यीशु इज़ ऑलवेज फुल ऑफ कंपैशन, वो उसके अंदर करुणा से वो भरा हुआ है, परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है। जो हम चाहते हैं उससे ज़्यादा हमें देता है, मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ तो ये व्यक्ति कंप्लेन कर रहा था, पर उसकी एक चाहत थी। नाउ व्हाट हैपेंस, द इम्पोर्टेंट मैन आंसर्ड इनटू हिम व्हाट, एंड देन 8th वर्स, Jesus said unto him, Rise up, take up thy bed and walk. And immediately the man was made whole and took up his bed and walked. And on the same day was Sabbath. Praise the Lord. So, क्या होता है? जैसे ही पर यीशु उसे देखते हो, कहता है कि उठो, तुम चंगे हो गए हो, तुम संपूर्ण कर दिए गए हो, अपना बिस्तरा उठाओ और जाओ यहाँ से। Praise the Lord. और उसी वक्त वो व्यक्ति पूरा संपूर्ण हो गया, वो चल नहीं पा रहा था, उसके टांगों में जान आ गई, उसके टांग संपूर्ण हो गए, पूरे हो गए। और उसके बाद वो उठा और वहाँ से चला गया, और वो सब बात का दिन था। दैट इज अनदर डेज टॉपिक, मैं आपको समझाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डिड यू सी दैट, एक तरफ सुलेमान है पुराने नियम में, जिसने ये परमेश्वर से सिर्फ बुद्धिमत्ता मांगी और खूबसूरती से कहा, और परमेश्वर ने उसे सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं दी बल्कि हर एक चीज़ दे दी जिसकी उसको एक राजा बनने के तौर पे कभी भी ज़रूरत हो सकती थी। दूसरी तरफ यह व्यक्ति है, ये 38 साल से इसलिए नहीं सफ़र कर रहा था क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मौजूद नहीं थी या मिराकुलस पावर मौजूद नहीं था। वो इसलिए सफ़र कर रहा था क्योंकि उसको लगता था, वो कुड़कुड़ाता था कि किसी ने ये सोचा ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं मेरे बारे में कि मुझे उठा के उस पानी दे, और जब तक मैं खुद जाने की कोशिश करूं तब तक तो मौका ही निकल जाता है। वो चाहता तो एकदम ही पानी के पास बैठा ही रह सकता था ना, कि जैसे ही मिराकल वो मिराकुलस स्टरिंग हो वाटर, कि उसी समय उसमें घुस जाए। नो, बट इज नॉट टेकिंग हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो कुड़कुड़ा रहा है। फिर भी परमेश्वर ने उसके ऊपर करुणा दिखाई और उसे चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के सामने सही तरीके से बोलना जाने, सही तरीके से मांगना जाने, सही तरीके से खटखटाना जाने, तो हर एक दरवाज़ा खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, मांगोगे तो मिलेगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मांगने पे आपको मिलेगा, कुड़कुड़ाने पे नहीं मिलेगा, खोजने पे मिलेगा, बहाने बनाने पे नहीं मिलेगा, खटखटाने पे मिलेगा, धक्का देने पे, रोने पे नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, कुछ लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनके लिए खोलने की इच्छा होती है, और कुछ लोग होते हैं दरवाजे के बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, कूट रहे होते हैं, और उनके लिए आप दरवाज़ा नहीं खोलना चाहेंगे क्योंकि आपको पता है ये अंदर आएगा तो कुछ ना कुछ बवाल करेगा। तो आप सोचते हैं इससे अच्छा है रहने दो, बाहर खटखटाता रहे। आप समझ रहे हैं? तो आपको वैसा बनना है जिसके परमेश्वर हर एक चीज उसकी इच्छा से बढ़कर दे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है। अगर वो नहीं चाहता तो वो जो पुल था बेथेस्डा का, वहाँ पे क्यों वो पर स्वर्गदूत आता और वो जल मिराकुलस बनाया जाता? तब तक तो यीशु भी नहीं आया था और वो प्रथा सालों से चल रही थी। परमेश्वर चाहता था लोग चंगे हों। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए हमारी इच्छाओं से, हमारी तमन्नाओं से बढ़कर चाहता है क्योंकि वो हमारा पिता है। यीशु ने कहा था, तुम में से कौन अपने बच्चे को
वो कुछ मांगे तो उसके बदले सांप देना चाहेगा? वो तो परमेश्वर तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, वो तुमको कितना और देगा। राज्य की खोज करो और तुम्हें हर एक चीज दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके शब्दों में राज्य की खोज दिखती है? आप दूसरों को अपने शब्दों के जाल में बेवकूफ बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। सुलेमान के अंदर ये चाहत थी कि उसको अगर ये जगह दी गई है कि वो राजा बने, तो वो चाहता था कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को एक सही तरीके से लीड कर सके, और उसके लिए उसे बुद्धिमत्ता चाहिए थी। और उसने बहुत खूबसूरती से परमेश्वर से ये मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया, और जो चाहता था उससे बढ़कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति 38 साल से इंतज़ार कर रहा था, कुड़कुड़ा रहा था, कुड़कुड़ाते हुए इसने यीशु से कुछ कहा, फिर भी परमेश्वर ने उसे चंगा किया। आप उसकी संतान हैं, वो आपके लिए हर एक चीज़ संभव बनाएगा। अपने जीवन में कुड़कुड़ाना हटा दीजिए, सही तरीके से प्रार्थना करना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू प्रे। यू नो, आप जाने कि सही तरीके से कैसे बोला जाता है। याकूब की पत्री 4:3 में लिखा है कि यू नो, तुम मांगते हो पर तुम्हें कुछ मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हें मांगना ही नहीं आता। यू आस्क अमिस, तुम अपने भोग विलास के ऊपर उड़ाने के लिए मांगते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे मत बनिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जानिए और अपने शब्दों को, आप एक राजा हैं, आपके शब्दों में अधिकार है, सामर्थ्य है। अपने शब्दों का चुनाव बहुत सही तरीके से कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरा वक्त यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने कुछ सीखा और आप इसको अपने जीवन में अमल करेंगे, काम पे लाएंगे और अपने शब्दों के चुनाव पे ध्यान देंगे। प्रेज द लॉर्ड, आप एक राजा के बेटे हैं, एक चुने हुए वंश हैं, राज पदाधिकारी हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। प्रेज द लॉर्ड, आपके शब्दों में ताकत है। तो शब्दों को सही तरीके से चुनिए, सही चीज़ें बोलिए। प्रार्थना के वक्त अपने शब्दों को पवित्रता से निकालिए। प्रेज द लॉर्ड, कभी मत कुड़कुड़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त है, मैं उन लोगों को मौका देना चाहूँगी जो हमारे मिनिस्ट्री के साथ अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी पार्टनरशिप जोड़ना चाहते हैं। इसके डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे होंगे। ये कोई कंपल्शन नहीं है, अगर पवित्र आत्मा आपको गाइड करती है करने के लिए तो आप ये ज़रूर करें, क्योंकि परमेश्वर एक खुशी से देने वाले को पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरे सुंदर बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता कि तूने इन्हें एक समझदारी की आत्मा दी है, तूने इनके समझ को खोला है, इनको बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण किया है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता कि तू इनसे प्रेम करता है और आज तूने अपने वचन को इनके हृदय में गढ़ा है। यीशु के नाम में इस तरह कि ये इस वचन से विचलित नहीं होते, ये फोकस रहते हैं, ये समझते हैं कि इनके वचनों में, इनके शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, मैं तेरे अनुग्रह को इनके ऊपर बोलती हूँ। मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिन्होंने अपने भेंटों को तेरे राज्य के साथ जोड़ा है। यीशु के नाम में उनके भेंट कई गुना मल्टीप्लाई होकर उनके पास लौटते हैं। यीशु के नाम में वो अनुग्रह से भरे होते हैं और हर एक वक्त तेरे हर एक भले कार्य को पूरा करने के लिए उनके पास बहुतायत से होता है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें, वचन को थामे रखें। और बुधवार को शाम को 6 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम मेरे परमेश्वर के जन पासेस आयन के साथ शाम को 6 बजे आओ बढ़े, देखना ना भूले शुभ संदेश पे। और हम दोबारा इसी दिन मिलेंगे इसी समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय Ambassadors of Zion Church.
making the world a better place.